आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा को इस बार 48 सीटों पर जीत मिली है तो कांग्रेस को 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। चुनाव परिणाम के बाद हार जीत के कारणों पर चिंतन मनन हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बात कर रहे हैं कि भाजपा को आखिर कैसे जीत मिल गई, क्योंकि एग्जिट पोल में साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनना दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए हैं तो एक बार फिर से भाजपा की बंपर जीत हुई है। तमाम सीटों की भी चर्चा है और इन सब में एक सीट ऐसी भी है जिस सीट पर प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन भी पहुंची थी। ये सीट है कैराना से सटी समालका। समालका सीट पर क्या चुनाव परिणाम रहा है, कौन कौन प्रत्याशी थे और क्या स्थिति उनकी रही है, इस सब के बारे में बात करते हैं। दरअसल इकरा हसन समालका सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व विधायक रविंद्र मछरोलिया के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंची थी। इकरा हसन, या यूं कहें कि हसन परिवार का समालका क्षेत्र में असर भी माना जाता है, क्योंकि कैराना से सटा हुआ ये क्षेत्र है। जब ये सूचना कांग्रेस के प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर को लगी थी तो निश्चित रूप से उनकी चिंता बढ़ गई थी और इसके बाद धर्म सिंह छोकर कैराना पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन से भी मुलाकात की थी। तो आइए आपको बताते हैं कि समालका सीट पर चुनाव परिणाम क्या रहा। समालखा से इस बार भाजपा के मनमोहन भड़ाना जीते हैं। मनमोहन भड़ाना को 81,293 वोट मिले हैं और 19,315 वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर रहे हैं। धर्म सिंह छोकर को 61,978 वोट मिले हैं और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मछरोलिया को 21,132 वोट मिले हैं और वह तीसरे स्थान पर रहे हैं। यानी कि भाजपा प्रत्याशी के जीत का जो अंतर है 19,315, उससे ज्यादा वोट ही रविंद्र मछरोलिया को मिले हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर ने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर भाजपा के शशिकांत कौशिक रहे थे, जबकि 2014 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मछरोलिया ने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर रहे थे, तीसरे नंबर पर भाजपा के शशिकांत कौशिक रहे थे। दरअसल इकरा हसन समालका सीट पर प्रचार के लिए पहुंची थी तो सभी की निगाहें थी कि आखिर वहां पर क्या परिणाम इस बार रहने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।